मंच पे अगर आज मधुमक्खी छूट गई और पकड़ में नहीं आई तो सब भागने वाले। नमस्ते शार्क्स। तो ये आवाज सुन के थोड़ा तो डर लगा होगा। Yes. हाँ, ये स्वाभाविक है, लेकिन हकीकत में ये मधुमक्खी हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी तो हमारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मधुमक्खी के परागण या तो पॉलिनेशन के बिना हमारी 70% से भी ज्यादा फसल प्रभावित होगी। मधुमक्खी भी हम इंसानों की तरह अपनी कॉलोनीज बना के रहती है, मगर हम इंसान हमारे मतलब के लिए बड़ी ही बेरहमी से उनके मधुमक्खी के छत्ते को या तो तोड़ देते हैं या तो जला देते हैं। ये जो छत्ता होता है इसमें सिर्फ 20% हिस्से में ही शहद होता है, बाकी के 80% हिस्से में इतनी मधुमक्खी होती है जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ, और वो सारी मर जाती है या तो बेघर हो जाती है। मुझसे ये चीज देखी नहीं गई, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने हनीवेदा की शुरुआत की। नमस्ते, मेरा नाम हार्दिक है। मेरा नाम कश्यप है। हम गुजरात से हैं और हम हनीवेदा के फाउंडर हैं। हनीवेदा एक ऐसी ब्रांड है जो मधुमक्खी को मारे बिना बी प्रोडक्ट्स जैसे कि शहद, बीज वैक्स कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और आज की तारीख पे एक B2B वर्टिकल में एक बल्क सप्लायर के तौर पे हमारी एक एक्सपर्टीज हासिल की है। लेकिन अब हम हनीवेदा को एक विश्वसनीय D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं। हमने 200 से भी ज्यादा किसान और आदिवासी समूह को बी कीपिंग की ट्रेनिंग दी हुई है। हम चाहते हैं कि हम हनीवेदा को इंडिया की No. 1 हनी ब्रांड बनाए। शार्क्स, हमारी आस्क है 75 लाख रुपए 7.5% इक्विटी के सामने। कश्यप और हार्दिक, शुक्रिया, आपने हमें इतना सिखाया। एक्चुअली पता नहीं था मुझे ये मधुमक्खी एंड शहद के बारे में। तो बी कीपिंग बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, आपको ये बचपन से इसमें रुचि थी कि ये कुछ? देखिए, मैंने 9 साल कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब किया है। जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी कंपनी में एक कैंपेन था जिसको पर्पस फॉर लाइफ बोलते थे, तो इसके अंतर्गत मैंने बी कीपिंग सिलेक्ट किया। पर जब मुझे पता चला कि हनी बीज का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, किसान को कितना फायदा हो रहा है, तो यहाँ से इंस्पायर होते 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 मेरी जॉब के साथ 3 साल मैंने बी कीपिंग में बहुत सारी गलतियां भी की, वापस खड़ा हुआ, सीखा। जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तब मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया और फिर हमने हनीवेदा की शुरुआत की। परागण की जो प्रोसेस जिसको पोलिनेशन बोलते हैं, ये प्रोसेस सदियों से हमें एक अच्छी यील्ड दे रही है किसानों को। अब नेचुरली हनी बीज जब मर रही थी खेतों पे, तो किसानों को अपनी यील्ड में घटौती देखने को हुई। बी कीपिंग एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे आप एक वैज्ञानिक तरीके से आप मक्खियों के साथ काम करते हैं, बिना मारे उसकी संख्या बढ़ाते हुए, उसका ब्रीडिंग करते हुए हम शहद या दूसरे बी प्रोडक्ट का हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे हम लोग का घर होता है, वैसे ये एक मधुमक्खी का घर है, और इसके अंदर इस तरह से फ्रेम्स होती है। तो ये फ्रेम को आप छत्ता मान लीजिए, तो इस फ्रेम के अंदर हम लोग एक वैक्स फाउंडेशन शीट डाल देते हैं। इसके अंदर हेक्सागोनल पहले से प्रिंट किया हुआ रहता है। वो फाउंडेशन शीट के ऊपर बीज अपना ये कॉम्ब बनाना शुरू कर देती है। ये जो बी बॉक्स है, इसके अंदर एक ही रानी होती है। इसमें से जो सर्कल किया हुआ है, उसकी लंबाई आप देखिए दूसरे वर्कर बीज से ज्यादा होती है। क्वीन बी। और एक घर में एक ही रानी रहेगी। देखो क्या कमाल है, हमारे शार्क टैंक में तो 2 रानियां हैं। अच्छा, अब ये होता है अगर मुझे उत्तराखंड में लीची में ले जाना है, या राजस्थान में उसको मस्टर्ड फ्लोरा पे ले जाना है, या गुजरात पे अजवाइन पे ले जाना है, तो इसके लिए हम माइग्रेशन करते हैं।
हम आपको बता दें कि इसके अंदर बीज ऑलरेडी है इस समय पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि फार्म के बाजू में इसको डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद मधुमक्खी फूलों पे बैठती है, वहां से अपना नेक्टर एंड पोलन कलेक्ट करती है, और वो कलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो छत्ता बना है इसमें सब आके डिपॉजिट कर देती है और इसमें से शहद बन जाता है। अगर मैं किसी खेत के बाजू में इस तरह से बीकीपिंग करूंगा तो उससे अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को फायदा होने वाला है, किसान को फायदा ये होने वाला है कि उसकी यील्ड में इंक्रीज होगा, मुझे फायदा ये हो रहा है कि मुझे यहाँ के अच्छे फूलों का शहद मिलेगा जो मैं अपने कंज्यूमर को दे सकता हूँ। तो आप लाए हो टेस्ट करने के लिए? हाँ हाँ हा, हम लाए। इसमें शुगर कंटेंट तो बहुत होगा। नेचुरल शुगर रहता है, फूलों का जो सुक्रोज होता है बीज एक बार उसके हनी सेक में आने के बाद उसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में डिवाइड करती है। ये अजवाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यस यस। मीठा है पर अजवाइन वाला टेस्ट आ रहा है। इट इज अवर हीरो प्रोडक्ट एक्चुअली। जैम का टेस्ट आ रहा है इसमें। आपके सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे टेस्ट करने में। थैंक यू। लेकिन मस्टर्ड हनी मैंने आज तक खाया नहीं है, तो ये कोई स्पेशल चीज है सिर्फ आप बनाते हैं या? मस्टर्ड हनी एक आयरनी है हमारी इंडस्ट्री की, सबसे ज्यादा शहद का प्रोडक्शन मस्टर्ड का ही इंडिया में होता है। बिकॉज ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ये भारत में नहीं चलता। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें से 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट मस्टर्ड हनी ही होता है, क्योंकि वहां उन लोग को ये चीज से दिक्कत नहीं है। तो हम फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को एक रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन से लाएंगे और हम चाहेंगे कि आप जैम की जगह पे इसका यूज करें। मैंने लाइफ में इतना हनी के ऊपर प्यार किसी को नहीं करते हुए देखा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप रोज अगर किसी को बेचारी हनी आ जाए हम उसे हट कर दे, तो आप तो रो दोगे कैसे ऐसे कैसे कर रहे हो। और आपका डर कैसे गया मधुमक्खी से? जो मैंने इम्पैक्ट और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे दिमाग में आई शायद उसी चीज ने मुझे कैरी ऑन करने में मदद किया। पैसे देख के डर गायब हो। एजुकेट कीजिए कि फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव शुगर सब्स्टिट्यूट इज हनी बेटर के जैगरी बेटर और डेट बेटर। देखिए कैलोरी काउंट के हिसाब से तो मुझे नहीं मालूम है, पर अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें इट इज वन ऑफ द सुपर फूड। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि इट्स ऑलवेज गुड टू नो योर कॉम्पिटिशन एंड एज हनी वन ऑफ योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज जैगरी। जैगरी आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो एग्जैक्टली, must be fully educated. थोड़ा सा business समझते हैं कि आपका क्या business है? हमारा business 9 से 10 महीने का season business है। अच्छा। हमने 2020-21 में 35 लाख के अराउंड हमारी सेल्स थी, इसमें से मेजर चंक था वो हनी बीज का था। अच्छा। सेकंड मेजर चंक बल्क का, थर्ड मेजर चंक हमारी ब्रांड से थोड़ा बहुत जो होता है वो 21-22 में 51 लाख और टिल डेट 53 लाख। इस साल का ब्रेकअप बता दो 53 लाख का। बल्क इस साल ज्यादा हुआ है हमारा, 40 लाख से भी ज्यादा हुआ है। तो 40 लाख आपने खाली हनी बेचा है जी। और उसके अलावा हमने हनी बीज भी सप्लाई की है 9 लाख से ज्यादा। 40 लाख रुपए एकदम से क्या हुआ कि आपकी सेल इतनी बढ़ गई? पिछले साल तक हम इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि हमने मेजर प्लेयर जो एक्सपोर्टर है उसको हमने जाके मिला, हमने समझाया कि इस तरह से हमारा बी हैव टू बोटल का कॉन्सेप्ट है, उनको भरोसा हुआ कि ठीक है आप हमें कंसिस्टेंट सप्लाई दे सकते हैं। धीरे धीरे इस तरह से हमने शुरुआत की है, तो हमारे लिए जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग का मेजरली दो यूज होगा। आ रही है मतलब यहाँ से आएगी क्या? हाँ, आ चुकी है नहीं, नहीं, आ रही है मतलब तय कर लिया आप? मैं तो यही भरोसा रहता हूँ। बहुत अच्छा। क्या क्या यूज करेंगे? अभी हमारे पास ऐसे 600 कॉलोनीज है, हम इसको 1500 तक ले जाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से हमारी कॉस्टिंग रेशनलाइज होगी, और कॉस्टिंग रेशनलाइज होने से हमारे बल्क या तो रिटेल दोनों में ही हमारे मार्जिन इम्प्रूव होगा। अभी क्या मार्जिन है? हमारा जो बल्क सप्लाई है उसमें 20% के आसपास मार्जिन कमा लेते हैं, पर जैसे ही हम 1500 से ज्यादा कॉलोनी पे जाएंगे तो वो मार्जिन को हम 30% तक ले जा सकते हैं। फिर भी कम है ना 30%? मैम इसमें आफ्टर सेल्स कोई खर्चे नहीं है,
आप क्या करते हो? सर मैं इसका ब्रदर हूँ। अच्छा। बेसिकली मेरा फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर का काम है राजकोट। क्या बात कर रहे हो, आपकी तो डील कंफर्म है। कौन सी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मेरे पास 28 कंपनी है। एमक्योर है? एमक्योर नहीं है, सॉरी। तो आप ये बिजनेस में साथ नहीं हो? साथ में ही है। अच्छा। तो उनका 15 साल का फैमिली बिजनेस का एक अनुभव भी है, तो इसीलिए मैंने उनको डायरेक्टर बनाया। मेरे को ना हनी शुरू से पसंद नहीं है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे खाते हैं। आपको मैं क्या पसंद है? बटर चिकन और क्या। मेरे को ना हनी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए मेरी वाइफ ही मेरी एक इकलौती हनी है जो मैं जिसको मैं देखता हूँ। और मुझे यू नो टेस्ट भी नहीं समझ आता हनी वगैरह का, सो आई एम आउट। मुझे दो बातें खटक रही हैं बिकॉज ऑफ विच आई एम आउट। नंबर वन के थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको बीज भी बेचना है, बल्क भी करना है, ट्रस्टेड D2C ब्रांड की तरफ भी आपको जाना है, और ये सब चीजें एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होगा इन सच अ क्लटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। सो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा अर्ली है, बट आई विश यू द बेस्ट। आप D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं पर अभी ये अर्ली स्टेज है, बट आई थिंक आपको परस्यू करना चाहिए, ब्रांड बनाना चाहिए। आपके पास कोर स्ट्रेंथ है और आप जरूर अच्छा करेंगे इस कैटेगरी में, पर आज मैं इससे बाहर हूँ। तो यार मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है एक इकोसिस्टम बनाने की, ना कि ये D2C में घुस जाना क्योंकि ये फैशन चल रहा है आज। अगर एक्सपोर्ट का बड़ा धंधा बनाना है जी, कैसे बनाएंगे ये अगले 3 साल का मेरे को रास्ता बता सकते हो? सबसे पहली चीज, हमें खुद का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हम बी कॉलोनीज बढ़ाएंगे। कितना खर्चा होगा? 60 लाख के आसपास वो हो जाएगा। अच्छा। देखिए आज हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए तैयार है, सिर्फ हमारे पास एक्सपोर्ट रिलेटेड लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो चीज जैसे ही हमारी कॉलोनीज बढ़ती है हम सबसे पहला काम सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस पे करेंगे। इस साल आप कितना प्रॉफिट करोगे? नेट प्रॉफिट सब खर्चे हटा के अभी तक हमने कुछ 7 लाख जितना फंड हमारे पास बचा है, हम उसको कम से कम 3.5-4 करोड़ तक ले जाएंगे अगर फंडिंग मिल गया तो। प्रॉफिट 25% बहुत ही सेफली हम उसको सिक्योर कर लेंगे। तो आप 30-40 लाख रुपया प्रॉफिट बना लोगे? हाँ हाँ। 10%? What do you think? I'm thinking 3 lakh and 10% you and me. Valuation कितनी हो गई? 2 crore. Alright guys, यहाँ पे काम बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट के साथ, फार्मर्स के साथ लग के पूरी इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका काम बढ़ेगा। बिल्कुल सही। जब तक ये $1-2 billion की इंडस्ट्री नहीं हो जाती भारत में, हमारा कुछ काम नहीं होने। तो हम वो सोच के आपको एक ऑफर करेंगे। हमारी ऑफर आपके लिए है 50 लाख रुपए, एंड इसमें 20% हम इक्विटी लेंगे, एंड उसके ऊपर हम आपको 25 लाख इन डेट देंगे एट स्टैंडर्ड 12% का इंटरेस्ट रेट। हम 1 मिनट ले सकते हैं? हाँ आप 1 मिनट ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट डेट पोर्शन है उसमें थोड़ा अगर हम नीचे ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके भरोसे के लिए और हमें ऑफर देने के लिए। आपका काउंटर ऑफर क्या है? 15% के लिए अगर आप ये कर सके, और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि इंटरेस्ट रेट। आप असली गुजराती हो, मैं इतनी डेट ऑफर्स कर चुकी हूँ, इतनी शार्क टैंक पिचेस में इंटरेस्ट का नेगोशिएशन आई थिंक पहली बार कोई कर रहा है। नहीं नहीं देखिए हार्दिक भाई, आप बात समझिए, हमें बिजनेस बनाना आता है जी, तो इसमें बहुत काम है। आप हाँ की ना कीजिए, इसको 1-2-3 करते हैं। तुम्हारे बिजनेस में बहुत काम है, ऑफर ले लो। हमारा हेतु वैल्यूएशन था ही नहीं, कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी आपने बता दिया कि आप सपोर्ट करेंगे भविष्य में भी, तो इस बात पे आपके ऊपर भरोसा रख के हम ये डील फाइनल करते हैं। तुम्हारे लिपस्टिक वगैरह में नहीं डलता है? Thank you very much. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Best of luck. Thank you.